मम्मी बताइए इस तरह क्लचर कौन लगाता है? मैं। अरे ये नया ड्रेस देखो भैया, नया लॉन्च हुआ है। नया लॉन्च नहीं हुआ, बर्तन धुलने जाना इसलिए पहने नहीं हो। बढ़िया है, तुम्हें को अच्छा लगे तो मार्केट में जा सकती इससे। हाँ, डैड सही बोल रहे। बरसात के लिए तो सबसे बेस्ट। हाँ, पानी नहीं पड़ेगा भैया, इसमें सब भर लोग मूली वूली खरीदोगे तो जेब भी है हमको लगता है इसमें। जेब भी है। अरे यार बर्तन धुलने जाना है नहीं, तुम इसमें लिपस्टिक विस्टिक रखा करो अपने, कॉस्मेटिक के सामान है, ब्रश वगैरह पहले पहले। जैसे मेरा मेकअप उतरे तो मैं फटाक से लिपस्टिक निकालू और फटाफट लगा लूंगा। एक बात कहें यार, ना बहुत लोग ना मैसेज करते हैं यूट्यूब पे तुम्हारे, जो तुम वीडियो वगैरह बनाती हो तो कहते हैं कि तुमको डांस करना चाहिए, दीदी भाभी आंटी जो भी तुमको कहते हो है ना, डांस करना चाहिए, आप डांस नहीं करती क्या? तो डांस दिखाओ उन लोगों को, कर लेते हो। मुझे डांस सच में नहीं आता। क्या झूठ बोल रहे हो यार बेटू, सच में नहीं आता यार, मैं डांस करने करती थी, अब मैं क्यों जो तुम ऐसे डांस करती थी, इतना जबरदस्त डांस है, तुम डांस करके दिखाओ उनको। अच्छी नहीं लगते, पहली बार तो मैं 90 के दशक की गाने। अच्छा, जो शाहरुख खान की जवानी गाने मुझे पसंद है। नहीं, जो तुम कल परसों की थी ना, वो वाला डांस इसी टाइप का। हाँ सुना, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। अरे वाह, साल दो साल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो। अच्छा, तो वहाँ पे लड़कियां ऐसे डांस करती थी बिल्कुल। और, नहीं नहीं, वो कमर वाला स्टेप दिखाओ, कमर वाला स्टेप ऑडियंस को दिखाओ। बताऊं ऐसे, पहला संदेशा ससुर जी का आया, पहला संदेशा ससुर जी का आया, इसे बुड्ढे के संग नहीं जाऊंगी। ये बात, ये ना, ये वाला ना DID में जाने लायक है तुम्हारा। DID डांस इंडिया डांस में जाओगी तुम की बार, पक्का है तुम्हारा सिलेक्शन, पक्का है। नहीं आता है। ये जो लास्ट और तुम्हारा सिग्नेचर डांस है ना, ये है कि नहीं? सिग्नेचर नहीं, पता है ये मेरे स्कूल में ना, मतलब पहले जाके जब मैं पढ़ती थी ना, तो ऐसे मैम लोग ऐसे ऐसे करके सिखाती थी, पहले ऐसे ऐसे करके सिखाती थी, वो मेरी आदत हो गई है डांस। सही बात है, सही बता रहे, मजाक नहीं कर रहा है। और पता है ऐसे ऐसे करते मतलब सिखाया करती थी, और वो जाती, अब मैं जाती पहले जमा, अब के गाने में तो ऐसे 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 मतलब ऐसे 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 चलता नहीं है, आपके जरिए कचुला टू ये चलता, मुझे आता ही नहीं है। सही, अब मैं जाती बर्तन धुलने रही है और काम है मेरे पास। अच्छा गाइज, एक बार आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी देर पहले आपको वीडियो में थोड़ा सा देखे होंगे कि उसमें ये एप्रॉन पहने हुई थी, एप्रॉन पहन के बर्तन धुलने जा रहे हो। आप देखिए बर्तन धुलने के लिए ये एप्रॉन उतार के थोड़ा पहले। हाँ, ये अपना ड्रेस पहनो इसको जल्दी फटाक से। नहीं, वैसे गाइज मैं आपको बता दूं, ये चीज है बहुत बढ़िया, इन्होंने इसको तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कभी, ये धुलती उलती नहीं, हमको लगता है ये ऐसे ये बारिश के मौसम के लिए बहुत बेस्ट जाएगा, अगर इसको बारिश में पहन के जा सके तो अपने कॉस्मेटिक, हेयर ड्रायर मशीन, कलर, क्रिम्पर, ये सब चीजें लेकर के अपना मतलब मोबाइल पार्लर भी चला सकती हैं घूम घूम करके। ये सही है वैसे बेटू तुम्हारे लिए? अच्छा ठीक ठीक, तुम बर्तन धुल के फिर फटाफट मेरे लिए चाय बना दो। ओके फ्रेंड्स, मेरे बर्तन धुलने का काम हो चुका है, मेरा काम चालू हो गया और अब इनका काम चालू हो गया। यही काम बचा है मेरे पास, तो क्या पानी भरना कोई काम है? हाँ, बॉटल में पानी भरो, कूलर में पानी भरो। मात्र देखो कितनी बॉटल है, कितनी है? एक दो तीन चार बॉटल है। कितने? चार। हाँ वाह, एक दो तीन चार पाँच छह हमारे पास चार। अरे तो थोड़ा बहुत वैसे तो हमारा भी गिले, बापरे क्या सब फेंका हुआ है यार। क्या महिलाओं की बीमारी होती है भैया? देखो बहस नहीं करना चाहते हैं, पत्नी जो होती है वो जो भी कहे, अगर आम को अमरूद कहे मान लेना चाहिए। अच्छा, तुम्हें चार बोला, चार मान लिए, ठीक है, मतलब चार मैंने इसलिए बोला है क्योंकि इसी तरह आदमी क्या कहता है, चार ठो बर्तन है धुल लो, तो इसी तरह हम लोग को भी बुरा लगता है, हम लोग का भी दिल होता है। अच्छा, उसी दिल को चार समाज वाले में चार लोग देखते हैं, चार समाज उसी दिल को तोड़ देता है। अच्छा। बढ़ लो जल्दी जल्दी। बेटू क्या कर रहे हो? कमेंट पढ़ रहे हो। अच्छा, ये वाली वीडियो देख रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं, जबरदस्त जानते हैं।
जानते हो इस वाली वीडियो में एक लोग ने लिखा है कि मैडम जी ऐसी वीडियो बना ले रही है, गाड़ी भी चलानी आती है। गजब है यार, यार फ्रेंड सही बता रहे, बहुत पहले से गाड़ी चला रही है। उनको कौन बताए कि जब 2004-5 में लड़कियां बहुत कम गाड़ी चलाती थी, तब से हमको गाड़ी चलानी आती है। कभी कभी इतना बेतुका लोग कमेंट लिख देते हैं कि उनका हम सोचते हैं क्या आंसर करें। मैं सोचती है यार उनकी जिंदगी में बहुत कष्ट है, इसलिए इतना बेतुका आंसर कर क्वेश्चन कर रहे हैं। या अच्छा हम इसी में समझाते हैं फ्रेंड्स, ये बात आप भी अब मुझे बताइए, बहुत आप लोग मेरे सपोर्टर हो, बहुत लोग ज्यादातर तो लोग सपोर्टर ही है। मुझे ये समझ, ये नकारात्मक लोगों की बीमारी क्या होती है यार? कुछ नहीं, ऐसे यार बोलते हैं सब, है ना। मतलब ये समझ में नहीं आती यार फ्रेंड्स कि आप, मतलब जैसे आप किसी के, चलिए ठीक है हम भी बहुत एक्टर्स हैं, बहुत दुनिया में एक्टर्स हैं, जैसे करीना कपूर हैं, कैटरीना कैफ हैं, या सोनम कपूर है, बहुत ढेर सारी एक्टर्स हैं। तो सब अपनी एक्टर्स है, किसी को हमको करीना पसंद होगी तो शायद किसी को करीना नहीं भी पसंद होगी। पर हमको ये लगता है कि आप इतना नकारात्मक किसी के लिए कैसे हो सकते हैं? अरे भाई यार नहीं पसंद आ रहे हैं, कोई बात नहीं, मत देखो यार, मत देखो यार, हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग भी नहीं देखते हैं, देखते भी नहीं, नहीं देखते हैं, नहीं अगर देख भी रहे हो। हाँ तो वही चीज है, नहीं पसंद आ रही ठीक है, जिसको पसंद आ रही वो लाइक कर रहा है, जिसको नहीं पसंद आ रही नहीं, बहुत सोशल मीडिया में बहुत चीज है। और हर इंसान के लिए तो हम फेवरेट या कोई भी फेवरेट नहीं पड़े, आप हो सकता है आपको मैं ना पसंद हूँ, आपको आप बहुत अच्छे अपने आपको अप टू डेट समझ रहे हो, पर हो सकता है मैं आपको ना पसंद करूँ, बिल्कुल है। तो आपको भी 100% यकीन नहीं होगा कि आपको 100% लोग पसंद कर रहे हैं। तो नकारात्मक लोगों से ये लगता है कि वो इतना नकारात्मक क्यों रहते हैं, फिर कभी कभी सोचती हो सकता है उनको जिंदगी भी प्रॉब्लम हो। और फ्रेंड्स हम ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में भी शायद ऐसा कोई हो कि जो आपसे, मतलब आपकी लाइफ में शायद ऐसे कई लोग हों कि आपसे भी ऐसी प्रॉब्लम हो, कि आपको भी कोई दिक्कत होती हो, कि आपके बारे में कोई नकारात्मक सोच रहा है, या आपको भी ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में ऐसा कह रहा है या वैसा कह रहा है। तो मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत समझाते हैं कि हमेशा ये जान लो कि नकारात्मक लोगों की आदत होती है वो आपकी टांग पकड़ के पीछे खींचने की आदत होती है। और कभी भी आपको कोई गलत, फ्रेंड्स आपको भी कभी कोई गलत बोले तो आप ये समझ लेना कि अब हमको 2 स्टेप आगे जाना है। तो हमेशा मैं ये चीज कहूंगी, मेरे हस्बैंड इस चीज पे मुझे बहुत अच्छे से समझा ले जाते हैं और हमेशा कहते हैं कि ऐसे लोगों की बातों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए, और मुझे उनकी बातें एकदम सही लगती हैं। और जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी है। सच में बता दूं, मैं शायद अगर मैं 5 मिनट के लिए भी अगर मैं ऐसे मुंह ऐसे करके मैं बना लेती हूँ ना, तो मेरे मुंह बनाने से भी जान जाते हैं कि मुझे कुछ हुआ है। और उनके साथ रहने से मुझे एक चीज तो है कि मुझे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी का मतलब कुछ भी कहे, तो मुझे असर ही नहीं होता है, क्योंकि वो उतना कूल उसमें लेके जाते हैं, कहते हैं अरे यार ये तो समाज है, ठीक है ना, भगवान को लोग नहीं छोड़े, तुम तो इंसान हो। तो बात उनकी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो फ्रेंड्स आपकी भी अगर लाइफ में ऐसा कोई हो तो उनको इग्नोर करो। मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपकी भी लाइफ में कोई आपको लगता है कि आपके बारे में गलत सोच रहा है या गलत बोल रहा है, तो आप भी उनको इग्नोर करो और अपनी जिंदगी को बिंदास जियो। खुद सोचिए जिंदगी की लाइफ कितनी जल्दी जल्दी बीतते चले जा रहे हैं। पहले तो फ्रेंड्स 100-110 साल तो लोग जीते थे, अब की उम्र देखिए कितनी कम हो गई है। और केवल आप ये सोच के कि मुझे ये कहेगा कोई कह रहा है या वो कह रहा है, तो इसमें पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और सच में बता रही हूँ, जितना समय बचा है बस केवल इंजॉयमेंट करिए और मौज करिए, मस्ती करिए, बस जिंदगी ऐसे कान में ताला लगा के अच्छे अच्छी खासी जिंदगी जिए। और बस यहीं पे आज मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ। और मुझे जो भी कोई जितने भी लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको जस्ट आई लव यू, ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखा करिए। और सृष्टि और आयुष मेरे हस्बैंड को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी तरह प्यार बनाए रखा करिए और मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।